नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बाहुबली मुख्तार अंसारी इन दिनों यूपी के बांदा जेल में बंद है, लेकिन एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में मुख्तार अंसारी की तूती बोला करती थी, लेकिन अब जेल में माफिया की एक एक रात मुश्किलों में कट रही है। मुख्तार अंसारी को जहाँ एक तरफ परिवार की चिंता है, तो वहीं दूसरी ओर मुकदमे के डर से रात बेचैनी में करवटे बदलते कट रही है। एक बार फिर से मुख्तार अंसारी उस वक्त चर्चा में आ गया जब उसकी बहू और पोता उससे जेल में मिलने आए। भारी सुरक्षा के बीच इनकी मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात के बाद हमेशा चुप रहने वाला मुख्तार अपने परिवार को देख क्या बोला, आपको बताते हैं। जेल में उसकी बहू निखत बानो और 2 साल का उसका पोता उससे मिलने आए थे, जहां अपने पोते को सीने से लगाकर मुख्तार अंसारी ने कहा कि कुछ दिन और सुकून और चैन से कट जाएंगे, तो वहीं बहू निखत से कहा कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, हो सकता है अल्लाह को यही पसंद आ रहा होगा। दोनों की मुलाकात सोमवार को हुई। कासगंज जेल में बंद मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अपने बेटे के साथ मुख्तार से मुलाकात के लिए जेल पहुंची थी, जहां दोनों के बीच कुछ घंटों की मुलाकात हुई। जेल प्रशासन के मुताबिक मुख्तार के पोते को देखते ही उसने गले लगा लिया और कहा कि मैं बदनसीब दादा हूँ, खुशियों की जगह परिवार को तकलीफ दे रहा हूँ। इस मुलाकात को लेकर जेल अधीक्षक ने पुष्टि करते हुए बताया कि निखत की कोर्ट के आदेश पर जेल मैनुअल के अनुसार मुलाकात करवाई गई है। दरअसल निखत ने मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए अर्जी डाली थी और इसके बाद उनकी मुलाकात हुई। निखत के साथ उसका बेटा भी था। मुलाकात के समय LIU जिला प्रशासन के वरिष्ठ अफसर भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा CCTV के साथ साथ सभी को सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट किया गया था। जेल की बैरक में तन्हाई में दिन काट रहे मुख्तार का रुतबा ऐसा था कि वो जो चाहता था वो करता था, यहाँ तक कि ताज़ा मांस खाने के लिए जेल में तालाब तक खुदवा दिया था। लेकिन अब बेचैन मुख्तार को पेशी के नाम पर जान का खतरा सताता रहता है। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वो पेशी की गुहार लगाता रहता है। अब उस पर बाराबंकी, गाजीपुर और बनारस कोर्ट में चल रहे मामलों पर भी फैसला आने वाला है, जिससे उसकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं काफी लंबे समय के बाद परिवार का कोई सदस्य उससे मिलने पहुंचा। वहीं जेल से निकलने के बाद निखत ने मीडिया से बातचीत भी नहीं की। उसने धीमी आवाज में बस इतना ही कहा कि कुछ बोलना अपराध है। उस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।